नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में छात्र और युवा में देशभक्ति को भरने और नौजवान छात्र युवा राष्ट्रीय मुख्यधारा से ना भटके, इसके लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। ज्ञात हो कि गुमला लोहरदगा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छात्रों और युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर राष्ट्र विरोधी काम कराने की लगातार प्रयास हो रही थी। इसके लिए एनसीसी ने छात्रों व युवाओं में देशभक्ति की भाव, देश सेवा में समर्पण के लिए इन क्षेत्रों के स्कूल में एनसीसी बटालियन का गठन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह का प्रशिक्षण 46वीं बटालियन झारखंड एनसीसी की ओर से गुमला में आयोजित की गई है, जिसमें गुमला लोहरदगा सिमडेगा जिले के छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ हमारे गुमला जिला के अंदर कार्तिक उराव महाविद्यालय, जो गुमला से लगभग 3 किलोमीटर में पड़ता है, उसमें हमारे 46 झारखंड बटालियन के द्वारा एक एनसीसी कैंप प्रशिक्षण शिविर ATC 7 लगाया गया है, जिसमें हम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। और हमारे यहाँ PI स्टाफ, हमारे आर्मी के कर्नल सर, सभी ने हमको अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि जो देश के युवा हैं, जो नौजवान युवा हैं, जो देश पढ़ाई से या फिर भटक गया है, राह भटक गए हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार खुद के अंदर एक देश के लिए देशभक्ति पैदा करें और देश के लिए जागरूकता हो और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उत्सुक हो। मैं चाहता हूं कि मैं भी आर्मी में जाऊं और अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दूं। इस कैंप में हम शामिल हुए हैं बहुत सारे विभिन्न, ये 3 जिला है उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस से कैडेट्स यहां एनसीसी के इस 46 झारखंड बटालियन गुमला में ATC 7 लगा हुआ है। 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिन का ये शिविर है, जिसमें हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग में ऐसी तमाम बातें हैं जो कि हमें सिखाई जाती है, विभिन्न हमारे आर्मी के प्रशिक्षक के द्वारा हमें फायरिंग कराया जाता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे हम सीखते हैं और देश के प्रति सेवा की भावना है हमें। इस ट्रेनिंग को करने के का ये उद्देश्य है, यहाँ सिखाया जाता है कि हम लाइन में या सोशल एक्टिविटीज़ में कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोग युवाओं को प्रेरित करें। और ऐसे युवाओं हैं जो देश सेवा से भटक गए और ग्रसित हो गए हैं कुछ ऐसे चीज़ों में, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो भी ऐसे हम जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के देश के प्रति सेवा भावना पैदा कर रहे हैं हमें, वैसे ही मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे देश के प्रति सेवा की भावना को जागृत करें अपने पे। इधर छात्र संघ के युवा कार्यकर्ता की माने तो यह प्रशिक्षण आर्मी के पदाधिकारी और जवानों के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें देश सेवा की भावना के साथ साथ शारीरिक फिटनेस का कड़ी अभ्यास भी कराया जा रहा है, साथ ही सोशल मूवमेंट के तहत गांव और समाज के बीच आमजनों को इसका लाभ पहुंचा सके। इसको लेकर तरह तरह के ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाता है, जिसका लाभ आमजनों को सीधे तौर पर मिलेगा, जिससे गांव के सुदूरवर्ती इलाके के युवाओं से अपील की है और कहा है देश की सेवा ही हमारा धर्म है। वहीं छात्रों छात्राओं को इंडियन आर्मी के बारे में बताया जा रहा है, जो किस प्रकार देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। छात्रों को शारीरिक मानसिक रूप से देश के प्रति समर्पण भाव सिखाया जा रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान कैसे करें, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को हथियार व फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे प्रशिक्षण ले रहे छात्र काफी खुश नजर आए और छात्रों ने बताया है कि हम भी देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं। छात्रों ने कहा कि अनुशासन के साथ साथ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करने का मूल मंत्र भी एनसीसी कैंप में हमें सीखने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए कारगर साबित होगा। आज के समय में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में छात्र एनसीसी से जुड़ रहे हैं और मुख्य धारा में आ रहे हैं, चूँकि एक समय था जब युवाओं को, बच्चों को नक्सली अपने साथ ले जाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको नक्सली में शामिल किया जाता था और वे नक्सली गतिविधि को अपराध के जगत में अपना कदम रखते थे, लेकिन आज एनसीसी कैडेट के रूप में सभी लोग भाग ले रहे हैं, सेना के अधिकारियों के साथ सेना के रहन सहन का
मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका क्या दैनिक। सेना के जवानों के साथ कैडेटों को रहने का मौका मिलता है, वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ कैसे सेना के जवान बॉर्डर पर रहते हैं, कैसे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है, हथियारों की जानकारी मिलती है। कहीं ना कहीं ये देश के देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए ये भविष्य में सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए अपने भविष्य को देखते हैं। भर्ती क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थी जो कि कभी नहीं सेना के जवानों को देखे हुए होते, वे सेना के जवानों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, सेना में जाते हैं और देशभक्ति के साथ देश की सेवा करते हैं। बिल्कुल अच्छा है एनसीसी कैडेटों का यहाँ ट्रेनिंग करना, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, बाहरी लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे गेस्ट आते हैं बाहर से, उनके साथ मिलना, डॉक्टर के साथ इनका संपर्क होना, तो देश दुनिया के जगत में क्या हो रहा है इनको जानकारी प्राप्त होती है। उनसे यही आग्रह है कि देशवासियों को अभी देशभक्ति की ज़रूरत है। आजकल देखते हैं कैंपसों में देश विरोधी नारे लगते हैं और कहीं ना कहीं कैंपस में इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां देश विरोधी नारे लग रहे हैं और कुछ देश के ही छात्र उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, किसी भी देश विरोधी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। एनसीसी के सीओ ने बताया कि छात्रों और युवाओं में राष्ट्रभक्ति और उनमें फिटनेस और क्षमता को बढ़ाने के लिए एनसीसी लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में अधिक से अधिक छात्रों युवाओं को इस अभियान में जोड़कर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव में युवाओं को लाने की बात कही। हम एक 7 डेज का कैंप कर रहे हैं हमारे बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए जो अफेक्टेड बच्चे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो तीनों डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। जैसा कि सभी को ज्ञात है ये थोड़ा सा पिछड़ा इलाका में आता है, यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ भी हैं और हमारी ये कोशिश है कि एनसीसी के माध्यम से जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा में देश की मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले, कुछ करने का एक जज्बा मिले। और एनसीसी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो कि हमारे युवाओं को कुछ देश के लिए करने का एक मौका भी देता है और एक प्रेरणा भी देता है। और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस इलाके के वो एनसीसी से जुड़े और इसका फैलाव हर कोने में जाए। और ये जब एनसीसी के साथ जुड़ते हैं तो इन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इन बच्चों को कैंप में किस तरह से रहा जाता है, रेजिमेंटेड वे ऑफ लाइफ, जैसे एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी जीता है उसका हम एक छोटा नमूना देते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं। और इस कैंप के दौरान हम और भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे आज हमने बच्चों के लिए एक दौड़ का कार्यक्रम किया था जिसमें हमने फिटनेस को मुद्दा बना के रखा कि फिटनेस को बरकरार करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दौड़ और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फिट इंडिया कैंपेन चलाया हुआ है। उसी तरीके से कोई हम कल फायर फाइटिंग टीम हमारे पास आई थी फायर स्टेशन गुमला से, हमने बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कराया, उनको इसका एक्सपीरियंस कराया कि अगर आग लगता है घर के अंदर कोई सिलेंडर में तो उसको कैसे बचाव किया जाए। और हम DFO गुमला, चीफ मेडिकल ऑफिसर गुमला, इनके तरफ से भी गेस्ट लेक्चर करवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए इस कैंप के दौरान, ताकि जो ट्रेनिंग का रूटीन है वो उनको बोर ना करे, बीच बीच में इस तरह से कुछ चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग कराया जाए। हम फायरिंग करा रहे हैं बच्चों को, कोर्स करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है बच्चों को कि उनका एक पूरा डेवलपमेंट हो, केवल एक मानसिक तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी, और एक ऑलराउंड वो लोग सिटीज़न बने और देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक बने।
जहाँ तक मेरा नॉलेज है ऐसा कोई नज़र में तो नहीं आया है कि जिनके परिवार में या कोई ऐसा नक्सल से हो सकता है दूर से कोई जुड़ा हुआ हो, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास एनसीसी ज्वाइन करते हैं वो इस गलत रास्ते पे ना चलें। देश के साथ प्रेम का भाव इनमें जगाने की कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हैं वो कोई अपने लिए एक एम रखें कि मैंने आगे बढ़ के क्या करना है ज़िंदगी में, और वो जब कोई करने के लिए नहीं होता है तो यूथ में बहुत एनर्जी होती है और वो गलत चीज़ों में चले जाती है, चाहे वो नक्सल साइड है चाहे कोई नशा साइड है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक गाइड किया जाए कि वो सही रास्ते पे चलें, और अगर ये कोई गलत रास्ता पकड़ रहा है तो हम उनको इनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो रास्ते में कोई आगे फ्यूचर नहीं है, और फ्यूचर इसी में है कि वो कोई नौकरी करें, कोई अच्छा जॉब पकड़े, और हम उसी के लिए इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहरहाल सरकार एक तरफ छात्र और ग्रामीण इलाके के युवाओं को एनसीसी से जोड़कर अन्य युवाओं को भी मुख्यधारा से जोड़कर छात्र और युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दे रही है। वही युवा मुख्यधारा से हटकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे जिसको लेकर युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है, देश सेवा करने की बात कही गई है।